Hello everyone, welcome back to the channel and welcome to another video. I hope you guys are doing very well. तो बहुत सारे सवाल मुझे लोग पूछते हैं कि तूने इतनी जल्दी वेट लॉस कैसे कर लिया, तू पहले से ज़्यादा पतली कैसे हो गई, तू इतनी फिट कैसे हो गई, तेरी जॉ लाइन इतनी अच्छी कैसी हो गई, तेरी टमी बिल्कुल फ्लैट कैसी हो गई. तो उन सब क्वेश्चंस का आज एक रीज़न मैं देने जा रही हूँ. बहुत सारे रीज़न्स हैं पर उसमें से एक रीज़न है जो मैं आज आपको दूंगी, और वो है कि मैंने जंक फूड खाना छोड़ दिया है. पहले मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड खाती थी, बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब ज़ोमैटो के बिल्स मेरे बहुत ज़्यादा बड़े होते थे. तो आज लगभग मैं 6 महीने के बाद पिज्ज़ा खाने जा रही हूँ, और ये देखो मेरा बेबी एक अनीम करेक्टर में बदल गया और मेरा हस्बैंड भी एक अनीम करेक्टर में बदल गए हैं. तो आज इस दिन में पूरे 6 मंथ्स के बाद, इससे पहले मैंने अक्टूबर में अपने बर्थडे वाले दिन पिज्ज़ा खाया था, और आज मैं पूरे 6 मंथ्स के बाद पिज्ज़ा खा रही हूँ. नहीं तो मैं हफ्ते में 3 से 4 बार पिज्ज़ा खाती थी. तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मैंने जब मेरा बेबी हुआ तो मैंने सोचा अपनी हेल्थ को सीरियसली लेना और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करने का. तो सबसे पहले मैंने चीनी छोड़ी, मैदा छोड़ा, फास्ट फूड छोड़ा, जंक छोड़ा, ये सब कुछ छोड़ दिया. तो आप इतना कुछ करते हैं तो आपका ये हक बनता है कि आप जब अपनी बॉडी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो अपनी बॉडी को कभी कभी ट्रीट भी देनी चाहिए. तो इसीलिए यहाँ पे हम पहुँच गए पिज्ज़ा खाने, और मैं मुझे यहाँ पे मतलब मैं नॉर्मल देखने में ऐसे लग रही हूँ, लेकिन अंदर से मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने अपने आप से जो कमिटमेंट की थी वो मैं फुलफ़िल की है, और आज मैं इस पॉइंट पे आके मतलब दोबारा अपना पिज्ज़ा इंजॉय करने जा रही हूँ. अच्छा, ये जो कैफ़े है यहाँ पे मैं आज पिज़्ज़ा खानी होगी, ये बहुत ही इंस्टाग्राम वर्दी वैसा वैसा एस्थेटिक अपील वाला ऐसा कैफ़े है, और इसकी रील्स भी बहुत चलती रहती है इंस्टाग्राम पे. मतलब इनकी प्रमोशनल रील्स होती हैं जो बोलते हैं कि पिंजौर में नया इंस्टाग्राम वाला एफ कैफ़े खुला है ऐसे कुछ के. तो इसमें इंस्टाग्राम वाला ऐसे क्या है कि इसमें बहुत ही अच्छा टेलीफोन बूथ सा बना हुआ है जैसे पुराने ज़माने में होते थे, और वो भी रेड कलर का बना हुआ है. सो लंदन वाइब्स वैसे वैसे का कुछ आता है इसमें से. एंड यहाँ पे फिर इस कैफ़े की रील जिसको भी दिखाई देती है वो को हर कोई भेजता है कि ये तो पिंजौर में रहती है तो इस कैफ़े में गई है कि नहीं. मैं बोलती हूँ हाँ मैं गई हूँ. तो यहाँ पे मेन्यू आया मेरे लिए, तो मेन्यू में इसमें सिर्फ ड्रिंक्स थी, सॉफ्ट ड्रिंक्स वाला मेन्यू भेज दिया उन्होंने. तो फिर मैंने दोबारा से मेन्यू मंगवाया, तो उस मेन्यू में भी पिज़्ज़ा नहीं था कहीं भी मेंशन. मैंने सोचा नहीं यार पिज़्ज़ा तो यहाँ पे है, मुझे पता है, मैंने इस रील में ही देखा था. तो फिर दोबारा एक तीसरा मेन्यू मेरे पास आया, इसमें मेरे को फाइनली पिज़्ज़ा मिल गया. तो इसमें पिज़्ज़ा क्यों मेंशन नहीं था, क्योंकि इनके साथ में एक और है, इनकी आउटलेट है, इनका मतलब रेस्टोरेंट है, वो भी वहाँ पे है, पिज़्ज़ा मिलता है, उसका नाम शायद पिज़्ज़ा कॉर्नर ऐसे कुछ करके है. तो उनके पास पिज़्ज़ा होता है, मतलब एक ही रेस्टोरेंट है, तो वहाँ से इन्होंने फिर लेके आए थे. हमने बोला नहीं हम तो यहीं बैठेंगे, अब हम बैठ गए हम नहीं उठेंगे, तो फिर इन्होंने इधर ही हमें ला के दे दिया मेन्यू. तो फिर मैंने कर दिया ऑर्डर, और फिर युवराज जैसे घूमने लग गया ऑर्डर को, जैसे टाइम लगना था तो युवराज इधर उधर जाके देखने लग गया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, दरबान बन गया बिल्कुल यहाँ पे. इस कैफ़े की इंस्टाग्राम पे बहुत हाइप बनी हुई है, इसलिए यहाँ पे हमेशा ही रश रहता, जब मर्जी देख लो. तो वेट करते हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन अभी तक हमारा ऑर्डर आया नहीं है. तो फिर इसलिए यूवी को आ गया किसी की इम्पॉर्टेंट कॉल, तो यूवी की चला गया कॉल अटेंड करने, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंचा टेलीफोन के तक. तो फिर वापस आ गया, बोला मम्मा मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, मैं क्या करूं. तो फिर मैं ले गई यूवी को, मैंने कहा चल मैं तेरे को लेके चलती हूँ, मैं तेरी फ़ोन पर बात करवाती हूँ, तेरे कौन से फ्रेंड क्या बोल रहे हैं. तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आई थी, इसके टीचर्स इसको बोल रहे थे आके स्कूल अटेंड करो, भी बहुत छुट्टियाँ होंगी, तुम 2 साल पर छुट्टियों पर हो तो स्कूल आ जाओ अटेंड करो आके स्कूल.
लगभग 30 मिनट के इंतज़ार के बाद फाइनली मेरा पिज़्ज़ा आ गया था मेरे सामने, और मैं पिज़्ज़ा की तरफ देखूँ और पिज़्ज़ा मुझे देखे, वाह वाह वाह, क्या मोमेंट बन गया था। तो फिर मैंने फटाफट अपना पिज़्ज़ा इंजॉय किया, साथ में मैंने मंगाई कोक। यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, इनके पास सिर्फ इनके शेक्स वगैरह थे, इनकी जो कॉफ़ीज़ वगैरह थी वो थी। कोक फिर मैंने स्पेशली मंगवाई इनसे बोल के। तो फिर उसके पिज़्ज़ा खाने के बाद, अच्छा पिज़्ज़ा की मैंने खाई 3 स्लाइसेस और मेरे हस्बैंड ने खाई सिर्फ 1 स्लाइस, क्योंकि मेरा फेवरेट है इसलिए। तो उसके बाद फिर हमने मंगाए वेज मोमोज, वो भी हमने खा लिए। उसके बाद हम चले गए थोड़ी सी शॉपिंग करने, और मेरे हस्बैंड को टी शर्ट्स लेनी थी तो यहाँ पे हमने खरीदी 2 टी शर्ट्स बस। तो फिर ऐसे रहा हमारा आज का दिन। और ये जो कुर्ता यहाँ पे मैंने पहना हुआ ना, ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे वैलेंटाइंस डे पे मेरे लिए। ये ऐसा फर्स्ट गिफ्ट था जो ये मतलब बिना मुझे साथ लेके जाए ऐसे अपने खुद से पसंद करके लेके आए थे मेरे लिए, और मुझे बहुत पसंद आया था। तो यहाँ पे घर पे हमने वापस आ गए तो यूवी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था नीचे उतरने की बेड से। इसने आजकल बेड से नीचे उतरना सीख लिया है। और ये देखो इसकी जो ये इसका पजामा बिल्कुल ये कैप्री बन चुका है, इतना छोटा हो चुका है। तो किसी ना किसी तरह से ये उतरने में सक्सेसफुल हो गया था। तो फिर इसने सोचा कि हम दोबारा से फिर से कोशिश करते हैं, तो फिर से लग गया ये कोशिश करने। इसको अच्छा डर भी लगता है कि मैं उतर जाऊँगा तो गिर जाऊँगा, ऐसे इसको डर लगता है। मुझे भी डर लगता है, मतलब इससे ज़्यादा मैं डरती हूँ, इसलिए मैं तो दूर दूर ही रहती हूँ जब ये उतरता है, उतरने की प्रैक्टिस करता है। मैं तो दिन में से उतरने नहीं देती नीचे बेड से। तो ये बेचारा लगा हुआ है यहाँ पे, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, लेकिन कमांडो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, डर भी लग रहा है इसको। देखते हैं उतर पाता है कि नहीं। लग रहा है उतर जाएगा शायद। ओ गलत डायरेक्शन में चला गया, साइड टेबल पे जाके बैठ गया। तो भाई और बहनों, ये हो गई हमारी कोशिश नाकामयाब, और हम हार चुके हैं। हारे नहीं हैं हम, फिर से दोबारा कल फिर से ट्राई करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा।